क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है मोहित खान के ऊपर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीति को? आपके शब्दों को थोड़ा स्पष्टता के साथ कह दूं, अखिलेश यादव के पीडीए के पी की बच्ची के 12 वर्ष की बच्ची के साथ अखिलेश यादव का ए बलात्कार कर रहा है। अखिलेश यादव का वो वोट बैंक पीडीए की बच्ची का बलात्कार कर रहा है और अखिलेश यादव इस पर मौन है। वो इसलिए मौन है क्योंकि एक बच्ची अगर महादलित है, पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, उसकी बच्ची का बलात्कार हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? 20% वोट हमारे साथ होना चाहिए। और ये तो जिसके साथ ये खड़े होते हैं बंगाल में, तो उनके लोगों ने कहा ना, हमारे समाज में, कहां हमारे समाज में, अरबिया संस्कृति में, वहां तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए जवाब का तो 12 वर्ष की बच्ची का, अरे जहां के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं और आप कहते हैं पीडीए की, आप कर रहे हैं दलित के। राहुल गांधी, मैं बार बार कह सोचता था राहुल गांधी के बारे में मैंने गलत भावना बना ली थी कि राहुल गांधी केवल उसी राज्य में जाएंगे जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं है या इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है या फिर भाजपा का ही जहां का सरकार है उस राज्य में कोई क्राइम होगा तो चले जाएंगे। लेकिन इस बार तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी मुंह घुमा लिए हैं, अखिलेश यादव उधर घूम करके 4 दिन एक सप्ताह तक बंद रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर 20% का वोट, ये जो वोट की राजनीति है, ये पिछड़े जातियों, अति पिछड़ी जातियों और दलितों को ये समझना चाहिए कि आपको जातियों में बांटकर, आपको अगरी पिछड़ी जातियों करेंगे और आपकी बहू बेटियों के साथ अगर कोई ऐसा ज्यादा मोहित खान उठाकर ले जाएगा, उसका बलात्कार करेगा, तो ये जो पिछड़ी जातियों के नेता है ये सब मुंह बंद कर लेंगे तो समझो इनका मोह किसके तरफ है। ये बात तो पीडीए पिछड़ा जाति अल्पसंख्यक फलाना ढिकाना के करते हैं लेकिन इस मामले में चुप है। और मैं सवाल करता हूं आपके ही माध्यम से कि डीएनए की जांच, हाथरस गए थे क्या? राहुल गांधी ने बोला इसका डीएनए जांच कराओ। क्यों? क्योंकि वहां नहीं था वो मजहबी जो 20% का वोटर है, वो आरोपी नहीं था इसलिए? या कहां, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं मणिपुर में बोल तो डीएनए जांच कराओ कि वो कौन लोग हैं जो वहां इतने दिनों से दंगा करा रहे हो। डीएनए जांच अगर करवाने लगोगे जो लोगों से कागज दिखाने पर तकलीफ हो जाती है वो डीएनए जांच के लिए तैयार हो रहे हैं? यहां बोलो कागज दिखाना है तो कागज नहीं दिखाएंगे कहने वाले लोग, उसके पक्ष में नहीं, डीएनए की जांच होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों भरमा रहे हैं अखिलेश यादव, समझो? क्योंकि वो एक मैसेज जो अनपढ़ अंधभक्त है इंडी गठबंधन के, उसको कहना चाहते, उसके मन में ये संदेह डालना चाहते हैं कि नहीं नहीं मोहित खान को फंसाया जा रहा है, वो तो बेचारा है, जबकि 2012 में इसी मोहित खान का नाम दंगे में आया था, इसने ही सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, पिछड़ी जातियों के लोगों पर कब्जा किया, वो जो संसाधन, भारत का संसाधन जो गरीबों, गुरबा, पिछड़ी जातियों का था, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ। और अखिलेश यादव के शासन काल में 2012 से 17 तक बैठा हुआ है जब ये नगर अध्यक्ष होता था, उस समय अखिलेश यादव तो समझो कि इस देश में ये जो सिगुफा है ये किस तरफ है, ये मानवता की बात करने के लिए यहाँ से कचरा है, किसानों के हत्या हो गई, ये महिला 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 मणिपुर में चिल्ला रहे थे, ये दोगले लोग ये कभी नहीं कहेंगे। वो जब पत्रकार बिरादी बार बार जा रहे हैं मणिपुर पे, वो उन वामपंथी पत्रकारों से पूछो कि आज क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो से डर लगा है किस बात का। आज सवाल एक ये भी आ रहा है ना कि इंडी गठबंधन में है, आज तक वो नेता बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, और वो जो अयोध्या के राजा कहला रहे थे खुद को, बासी समाज के हैं, अरे आप तो पिछड़ी के नाम पर, आपने कहा क्या इस बार ना अयोध्या ना काशी, इस बार केवल पासी, इस नाम पर जनता ने आपको वोट किया, आप बन गए थे अयोध्या के राजा, तो राजा कैसा अंधा राजा है कि उसकी प्रजा, उसके वोटर, उसकी जाती के महिला का, बच्ची का बलात्कार कर रहा है एक मोहित खान का आदमी और ये चुप है? ये इनके पहले दिन कहता आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू से समथिंग। वाह, ये अंग्रेजी जो निकलता है सांसद बनने के बाद, आपको सांसद अयोध्या की जनता ने बताया बनाया और 12 वर्ष की बच्ची का बलात्कार पे आपका अंग्रेजी समझने आने लगा, आपकी अंग्रेजी बाहर आने लगी, ये अंग्रेजी चुनाव प्रचार में तो नहीं बोल रहे थे, इसलिए समझना पड़ेगा देश को कि ये जो अगरी पिछड़ी की लड़ाई लड़ाते हैं लेकिन जब इन्हें सत्ता में आते हैं तो ये कानून बनाते हैं वक्फ बोर्ड, ये कानून ये देते हैं आबादी के हिसाब से आरक्षण, लेकिन जब मोहित खान आएगा, जब तबरेज आएगा, तब ये खड़े हो जाएंगे उनके पक्ष में। तो ये देश की बिहार, उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए, ये जो
अभी एक पिछड़ा दलित नेता बड़ा उभर रहे हैं, सांसद बन गए, उनका बयान क्यों नहीं आया भाई? वो उनसे भी तो पूछो, इतने बड़े क्रांतिकारी हो आप, एकदम चंद्रशेखर आजाद, तो फिर आपके ही पिछड़ी जाति की 12 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, आप सांसद हैं, एक शब्द आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको भी वही 20% वोट चाहिए, और इसके चक्कर में आप पिछड़ी अगरी दलितों की बच्ची का बलात्कार आपको मंजूर है। ये अब मोहित खान से इतना मोह क्यों है अखिलेश यादव को? मतलब ठीक है वो खान पीछे लग रहा है या लग हो रहा है कि हाँ समाजवादी पार्टी का है, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया अखिलेश यादव के टाइम, बोला जा रहा है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा साम्राज्य कर लिया, जिसने मदरसे के अंदर 2-3 क्लास तक पढ़ाई करी है। एक व्यक्ति जो कहा था हम पहलवानी करते हुए राजनीति में आए हैं और समाजवाद को लेकर आए हैं, उसका एक डायलॉग था, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो जिसके डीएनए में ये हो, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, वो बलात्कार के मामले में इतना सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं? दूसरी बात कि कब तक ये देश का, बिहार का और उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं समझेगी कि अखिलेश यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी होने के कारण नहीं है। गायत्री प्रजापति के साथ इन्होंने क्या किया था, क्या निकाल दिया था क्या उसको, तो टिकट दिया था। तो ये अखिलेश यादव हर उन बलात्कारियों में अपनी संभावनाएं कैसे तलाश लेते हैं? यहाँ पर एक तो मुस्लिम है क्योंकि 20% का वोट भी चाहिए, पिछड़ा दलित वगैरह तो बलात्कार के लिए वो आएगा ना, जब वो बांग्लादेश में आज जो स्थिति हो रही है, आज जो पाकिस्तान में स्थिति हो रही है, तो वही स्थिति ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हो, और उस समय ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने वाले जियाउर रहमान, उनकी भी हत्या बांग्लादेश में ही हुई, और उन्हीं लोगों ने किया जो जमात इस्लामिया के समर्थक थे। तो ये बात ये अखिलेश यादव भी समझ ले कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो ये तुष्टीकरण कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगा, क्योंकि तो उसके लिए उससे ज़्यादा आपकी पार्टियों ने तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया था। तो ये सोचो कि एक बच्ची के बलात्कार पर मौन, उसको भरमाने के लिए ये EVM खराब है जैसा माहौल बना दो, उसी तरह से DNA का टेस्ट कराओ ताकि ऑफिसर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सबसे पहले तू कार्रवाई करना कि निकाल दे, तुम बोलो कि निकल जाओ, भी जब प्रमाणित हो जाएगा तो हम समाजवादी पार्टी में ले लेंगे, पार्टी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि 20% का वोट पिछड़े दलितों अगड़ी ये सारे जो जाति का कार्ड ये खेलते हैं, इनके लिए केवल तुम वोट बैंक हो, तुम्हारे बेटियां अगर बलात्कार कोई मोहित खान करेगा तो ये मौन रहेंगे, और वो कहेंगे DNA की इधर उधर की सच्चाई यही है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम बेवकूफ़ हैं कि इनको जाति के नाम पर वोट करते हैं, और ये लेकिन ये जब सत्ता में आते हैं या विपक्ष में आ जाएं, ये काम तो मोइन खान के लिए ही करेंगे। कुछ जो महिला न्याय की बात करती थी देश के अंदर, प्रियंका गांधी जो बोलती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, या डिंपल यादव बहुत संसद में गरजती थी महिला न्याय की बात करने वाले, इन महिलाओं की तरफ से क्यों नहीं चुप्पी हो रखी है, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची दलित लड़की है, इस वजह से? सवाल एक ही है, DNA में जब बार बार कह रहा हूँ मैं, वो कोई बायोलॉजिकल DNA की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सोच का DNA है ना, कि कुछ भी हो जाए, 12 साल की बच्ची है, बलात्कार हो गया, कोई बात नहीं, 20% वोट, ये अगर तुष्टीकरण की नीति अगर नहीं का अपनाए रहते, ये पहली घटना थोड़ी ना है। आज यदि यही घटना उल्टा हुआ होता तो आज जुबैर से लेकर के पूरा ट्विटर पर ये विनोद कापड़ी जैसे कांग्रेस के तलवे चाटने वाले लोग लगे रहते, अरे महिला के साथ हो गया, ये देखो हो गया, वहाँ जर्मन शेफर्ड से लेकर के सारे यहाँ पर खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ पर ये मानसिकता, ये दोष नहीं है, ये बीमारी है, इस बीमारी को पहचान करके लोकतांत्रिक तरीके से ही इनको जवाब दे दो, और अगर आज जवाब नहीं दिए तो कल बांग्लादेश में कितने थे, 1905 में भैया कितने थे, 66%, 47 में कितने थे, 32%, आज कितने हो, 5%, और वो सब अति पिछड़ी जातियों के ही हैं जो ख़त्म हो गए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वो सब दलित और अति पिछड़ी जातियों के हैं, वो ख़त्म होते चले गए, उनको या तो उनका रेप किया गया उनकी महिलाओं के साथ, जो लज्जा में तस्लीमा नसरीन ने भी लिखा है, या तो उनको मार दिया गया, या तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, क्योंकि उस समय के ये जो सेकुलर वाले कायदे आजम वाली जो सोच थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मुँह खोटा कुछ और था, दूसरी तरफ तुष्टीकरण कर रही थी, मोइन खान जैसे बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती थी। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है मोहम्मद राशिद,
उनके जो पीड़ित की जो माँ है वो बोल रही है कि मुझे मोहम्मद राशिद धमका रहा है, केस वापस ले लो नहीं तो नदी में फेंक देंगे, सरयू नदी में फेंक देंगे, पैसे दे का लालच दिया जा रहा है। अभी हालांकि लड़की को लखनऊ भेजा, रेफर किया गया है इलाज के लिए। इतनी जो ये दुस्साहस कर रहे हैं कि अभी भी परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस ले लो नहीं, जान से हाथ धो बैठोगे। तीन लोगों का नाम आया है, एक नगर मदरसा बोर्ड या कुछ उसके चेयरमैन हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी का नेता है कोई हसनैन या क्या मोहम्मद कुछ नाम है, राशिद खान। और तीसरा एक कोई और का नाम आ रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गुंडे बलात्कार करेंगे, समाजवादी पार्टी का नेता चुप रहेगा, ये लोग क्यों धमका रहे हैं, ये क्यों जाके पीड़िता को धमका रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष है, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा जो मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव, वो आज तक मोहित खान बलात्कारी के समर्थन में एक तरह से परोक्ष रूप से खड़ा दिख रहा है। अगर वो पार्टी से निकाल देता तो क्या पार्टी का नगर अध्यक्ष या पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसके समर्थन में आता, क्या वो धमकाने जाता? तो सारी जड़ में तो अखिलेश यादव का वो पीडीए का सोच है कि पीढ़ियों को सत्ता देने वाले पीडीए की बात अगर कर रहे हैं तो समझो कि उनके पीछे वोट बैंक है। और पीडीए में अगर पिछड़े दलित के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे जो ए लगा हुआ है और ए में जो एम वाई समीकरण वाला था, ये एम के फैक्टर में आपकी बच्चियों का बलात्कार होगा और अखिलेश यादव चुप रह जाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या जा रहे हैं, राशि मोहित खान का जो बेकरी चल रहा था नजायज जमीन के, जो अवैध जमीन पर, उसको गिरा दिया गया, खुद अयोध्या जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी इसके बाद, जो खुद अब संज्ञान में ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? यहाँ पर एक जुबेनाइल कोर्ट भी बना था, जुबेनाइल कोर्ट में बनने के बाद उसमें क्या है कानून क्या अखिलेश यादव को नहीं पता। और योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात तो किया है, अपराधी हो तुम्हारा घर नहीं बचेगा चाहे किसी भी पार्टी का हो। और अभी हमने देखा था ना बीजेपी के भी लोगों के यहाँ, अपराधी हो तो तुम्हारा बाप तुमको नहीं बचा पाएगा। ये जो है एक भगवा चोलाधारी का, वो जो सन्यासी का जो एक कर्तव्य होता है वो पालन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनकी पूरे जीवन की क्रेडिबिलिटी यही है कि वो कहते हैं मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, ऐसे दुष्टों को सजा दिलवाने के लिए आया हूँ, और वो सजा बुलडोजर के माध्यम से चलती रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बुलडोजर पर कहीं ऐसा कोई ना हो जाए, कोई कोर्ट आके खड़ा हो जाए। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों को भी सतर्क कर दीजिए, और अपना बार बार मैं कहता हूँ कि इनको भी सुधार कर थोड़ा पेच टाइट कीजिए योगी जी। और ये इतनी दुस्साहस क्यों हो रही है इन लोगों की समझो। अब तक योगी के बुलडोजर का, योगी के एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का खौफ था, इस कारण ये घर में जिहादी बंधे थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत जाती है, अयोध्या में जीत जाती है, तो फिर बताओ आपने भस्मासुरों को बिठाया है क्या? उत्तर प्रदेश के लोग इन भस्मासुरों को पहचानो कि ये कौन से भस्मासुर हैं जो हमारा वोट लेके तुम्हारे नाम पर नेता बन जाते हैं, तुम्हारे जाति का नेता बन जाता है, फिर सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन फिर जब तुम्हारे साथ ये खड़ा नहीं होता। और ये तभी से इतनी हंगामा क्यों हो रहा है? ये जो बार बार ये अपराधी बाहर निकल रहे हैं, लखनऊ में पानी फेंक रहा है कोई समाजवादी पार्टी, तो ममता मायावती जी ने कहा था ना, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये गुंडों की सरकार, वो जो मानसिकता थी, वो गुंडे फिर से अपने आप को फन उठा रहे हैं क्या? तो घबराइए मत, वहाँ एक भगवादारी है जो न्याय के लिए, और वो गोरखनाथ का महंत है, वो शिव की शक्ति के साथ है, उसको अगर उसने ठान लिया तो उसने नेस्तनाबूत कर दिया इनके बड़े बड़े आकाओं को, जिसको छूना हिम्मत नहीं थी। तो ये टुचपुंजिये के घर घबराइए मत, उन्होंने कहा ना कि बुलडोजर नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो बुलेट ट्रेन तो चलेगा इन पर। एक लास्ट सवाल रहेगा, आपने बोला अयोध्या की जो हार हुई थी और समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जीते थे, आपको लग रहा है इसी का नतीजा है जो वहाँ के सपा के जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व है जिनका इतने अंदर हिम्मत आई है कि वो इस तरीके से खुले तौर पे कानून को चैलेंज कर रहे हैं, समाज को चैलेंज कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ना, आखिर 7 वर्षों से वो जो दबे कुछ थे, वो जो सड़क पर सीधी लाइन में चलना सीख गए थे, 37 सीटें केवल आई है लोकसभा में, विपक्ष का नेता भी नहीं बने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है प्रोफाइल, लेकिन उसके बाद भी ये गुंडे कैसे खड़े हो जाते हैं?
कहीं ना कहीं वो मॉरल सपोर्ट है। इसीलिए तो मुझे मायावती जी का वो बात याद आता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, और गुंडों की भाषा ही तो नहीं ना, अरे आतंकवादियों को छिड़वाने के लिए न्यायालय तक चले गए थे। यही अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, किस तरह का गुंडागर्दी और दलितों के खिलाफ तो अखिलेश यादव के पार्टी की मानसिकता है। अरे याद कीजिए वो गेस्ट हाउस कांड, एक दलित महिला मुख्यमंत्री कैसे बन गई, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड किया था। वो तो भाजपा के ब्रह्मदेव तिवारी थे कि उन्होंने लट लेके समाज सपाइयों को, गुंडों को मारा, और वो ब्राह्मण था और उसने उस दलित मायावती जी की इज्जत की रक्षा की थी। ये दलित आज भूल जाएंगे और ये कहेंगे पीछे पीडीए और पीडीए, उस समय यही समाजवादी पार्टी के गुंडे गए थे ना मायावती जी का चिरहरण करने गेस्ट हाउस में, और वो ब्राह्मण ब्रह्मदेव त्रिपाठी ही सामने आए थे ना, लठ लेके समाजवादी पार्टी के गुंडों को कूटा था और कूट के मायावती जी को निकाला था। तो समझो ये चरित्र इस पार्टी का क्या है, इस विचारधारा, क्या लोहिया का समाजवाद और क्या गुंडों का समाजवाद, ये है समाजवाद, ये समाजवाद नहीं ये सिर्फ मुस्लिमवाद है, इसको याद कर कर रख लो। बहुत बहुत